हेलो फ्रेंड्स, सबको नमस्कार। आज फिर से एक नई रेसिपी लेके आई हूँ। सो आज मैं बनाने जा रही हूँ रागी आटे की तेल पीठा। सो आप लोग मेरे वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। सो सबसे पहले मैं कढ़ाई में ऐड कर रही हूँ एक गिलास पानी और आधा छोटा चम्मच नमक, गुड़, तकरीबन एक चम्मच सौंफ, ये बहुत जरूरी होता है फ्लेवर के लिए। अब गुड़ को हम पिघा लेंगे, गैस का फ्लेम को मीडियम रखना है। देखिए गुड़ अच्छे से पिघल गया है, इसमें बिल्कुल हम चीनी ऐड नहीं करेंगे। अब ऐड कर देंगे हम एक कटोरी रागी आटा। फ्लेम को हम धीमी कर देंगे और अच्छे से चलाएंगे ताकि नीचे ना लग जाए। हम अच्छे से पका लेंगे रागी आटे को। हाथ में लेके देखेंगे ये चिपचिपा लगेगा, तो ये ऑलरेडी बन गया है। अब बर्तन में हम रागी आटा थोड़ा छिड़क देंगे और ये जो पकाया हुआ रागी आटे है इसे हम डाल देंगे, और रागी आटे को हम अच्छे से भूनेंगे। गरम गरम इसे भूनना है। देखिए ये हो गया है। अब छोटा कटोरी में हम लेंगे कच्चे घनी सरसों की तेल, और हाथ में हम थोड़ा सा लेंगे और इसका पीठा बनाएंगे। इसे हम ज्यादा मोटा नहीं रखेंगे। ऐसा ही हम रिपीट करेंगे। और ये जो पीठा है इसे हम पूरे सरसों के तेल में तलेंगे, रिफाइंड बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। अब कढ़ाई गरम हो गया है, मैं ऐड कर रही हूँ छोटा कप सरसों के तेल। जब तेल अच्छे से गरम हो जाए तब हम पीठा को ऐड कर देंगे। फ्लेम को मीडियम रख के हम पिठा को बनाएंगे। हमें तेज नहीं करना है, नहीं तो ये जल जाएगा। देखिए ये धीरे धीरे से फूलने लगा है। अब हम इसे चलाते रहेंगे। देखिए ये अच्छी तरह से फूल गया है। अब ये तल गया है, अब हम इसे निकालेंगे। ये जो रेसिपी है ये खाने में बहुत टेस्टी होता है, इसको आप लोग जरूर ट्राई करके देखिएगा। मैंने निकाल लिया है अलग बर्तन में। अब हम फिर से रिपीट करेंगे। देखिए मैंने पिठा बना लिया है, ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। सो आप लोग को कैसा लगा मेरा ये रेसिपी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ शेयर कीजिएगा मेरा वीडियोस को, और एंड तक बने रहने के लिए सबको थैंक यू।